घर में बैठे रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अरे घर में बैठे रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। लॉकडाउन में बाहर निकल के देखो बेटा, आगे नुक्कड़ पे तेरी धुलाई है। प्रिया, लॉकडाउन के बाद मैं तुझे राजस्थानी होटल पर दाल बाटी खिलाऊंगा। सलाद के साथ हरी चटनी भी खाऊंगी। फिर उसके बाद पता है तुम्हें मुझे क्या खाना है? लल्लू भाई की पानी पूरी। मुन्ना, तेरी हालत तो बिल्कुल कामवाली बाई जैसी हो गई है। घर पे जाता है तो तेरी बीवी तुझसे कपड़े धुलाती है, और बाहर जाता है तो पुलिस वाले तुझे धो देते हैं। क्या हुआ था देवसेना? मैंने इससे 1 मीटर की दूरी बनाने के लिए बोला, पर ये 1 मीटर की दूरी नहीं बना रहा था और मुझे छू के कोरोना देना चाहता था, इसलिए मैंने इसकी उंगलियां काट दी। गलत किया तूने देवसेना। कोरोना वायरस फैलाने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ये फोन नहीं है, किस्मत का घंटी है देवा, किस्मत का घंटी। हेलो कोरोना 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 इस पे जी। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। यार राजू, उसको बोल बाबूराव मर मेरा गया, मामा नहीं है वो। उसको इनकी हिम्मत तो देखिए, कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप लोगों को जबरदस्ती सब्सक्राइब कराने से क्या फायदा? और एक तुम हो जो लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी कर देंगे। सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा बनाते रहो, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।